दोस्तों, जंगल और समंदर में हर एक जीव या तो शिकारी होता है या तो शिकार, लेकिन दोनों ही केस में इन जीवों को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी तरह की चालाकी की ज़रूरत पड़ती है। और यह चालाकी कितनी अद्भुत होगी अगर जीव अदृश्य ही हो जाए। हर जानवर को बचने और मारने के लिए वे अपने आप को अपनी सराउंडिंग में इस तरह ढाल लेता है कि सामने वाले जीव को वे जानवर दिखे ही नहीं। लकड़ी के टुकड़े जैसे जीव से लेकर पत्थर में बदलने वाले समुद्री जानवर तक, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे जानवरों से मिलाएंगे जो पहली नजर में आपको दिखेंगे ही नहीं। एक बार इस जीव की नजर डालिए, यह कोई आम ऑक्टोपस नहीं है। यह ऑक्टोपस की ऐसी प्रजाति है जिसे एक खतरनाक समुद्री जीव माना जाता है। इन्हें ऑक्टोपाई से जाना जाता है और यह इसलिए इतने खतरनाक है क्योंकि ये अपने शरीर को अपने माहौल के रंग में इस तरह ढाल देता है कि इन्हें देखना नामुमकिन हो जाता है। इनकी कैमोफ्लेज की तकनीक कमाल की है और यह इतने स्मार्ट होते हैं कि अपना रंग किधर और कब बदलना है इसकी भरपूर जानकारी होती है। नहीं, अगर इनके टेंटिकल्स कट भी जाएं तो वे फिर से इसकी बॉडी पे ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को देख के आपने कुछ नोटिस किया? पहली बार में देखने पर आपको एक मामूली पेड़ ही लगे, लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो आप देखेंगे कि इस पे कोई जीव बैठा है। इन जीवों को ईस्टर्न स्क्रीच आउल से जाना जाता है। यह आउल की वे प्रजाति होती है जिनके शरीर का रंग एक सूखे हुए पेड़ की तरह लगता है। जब यह किसी पेड़ पर बैठता है तो उसके शरीर का रंग उस पेड़ की लकड़ी की तरह लगता है। और अगर पेड़ सूखा हो और अगर वे अपनी आँखें बंद कर ले तो इन्हें देखना नामुमकिन हो जाता है। इन्हें ज़्यादातर तभी नोटिस किया जाता है जब इनकी आंखें खुली हों। हम सभी जानते हैं कि समंदर के अंदर जीवन धरती के मुकाबले ज़्यादा कठिन होता है। वहाँ रहने वाले छोटे जीवों के पास कुछ ना कुछ खास होना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। मिलिए इस छोटे जीव से। इसे पिग्मी सी हॉर्स से जाना जाता है और इन्हें अपने आप को छुपाने में महारत हासिल है। यह जीव समंदर में पाए जाने वाले प्लांट्स गॉर्गोनियन कोरल्स पर रहते हैं और अपनी बॉडी को उस प्लांट के जैसा बदल लेते हैं। यह इतने बेहतर तरीके से छिपते हैं कि साल 1969 में पहली बार इन जीवों को गलती से खोजा गया। उस समय गॉर्गोनियन कोरल्स को एग्जामिन करने लैब लाया गया था और वैज्ञानिकों ने ध्यान से देखने पे पाया कि उस पे कोई जीव बैठा है। इसके छोटे साइज और गजब की कैमोफ्लेज की तकनीक के चलते इन्हें देखना असंभव सा हो जाता है। दोस्तों, यह समुद्री जीव इतनी अनोखी है कि हम इसके शरीर के आर पार देख सकते हैं। इन मछलियों को लेप्टोसेफेलस से जाना जाता है और इनकी अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने की क्षमता देखकर पूरी दुनिया हैरान है। खतरा भापने पर यह अपने शरीर को एक तरह से इनविजिबल कर लेते हैं। वे अपना रंग इस तरह से बदल लेती है कि पानी में इन्हें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुरक्षित महसूस करते ही वे अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। यह इस धरती पर एकमात्र ऐसे जीव है जिनके आर पार देखा जा सकता है। इसको पहली नज़र में देख के आप बोलेंगे कि यह एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन हैरान तो तब होंगे जब यह टुकड़ा चलना शुरू कर दे। एक बार इसे देखिए। इस जीव को बफ टिप मॉथ से जाना जाता है। हम पूरा यकीन से कह सकते हैं कि आपने इसके दो पंखों को नोटिस नहीं किया होगा। कोई खतरा लगने पर यह जीव अपने पंखों को अपनी बॉडी से एकदम चिपका देते हैं। वे अपने पंखों को इस तरह बना लेते हैं कि आगे और पीछे दोनों से ही कोई टूटी हुई लकड़ी का टुकड़ा लगता है। दिन में यह जीव सिर्फ इसी पोजीशन में रहते हैं और रात में अपने पंखों को खोलकर खाने की तलाश में उड़ते हैं। दोस्तों, यह जीव अपने आप में बहुत खास है। हर एक व्यक्ति इसे पहली बार में देखकर एक सूखा हुआ पत्ता समझे, लेकिन यह एक तरह की तितली है। आपने एक से बढ़कर एक बटरफ्लाई देखी होंगी, लेकिन यह आपके सामने आ जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई बटरफ्लाई सामने खड़ी है। इसके दोनों पंख एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगते हैं जिनसे वे अपनी बॉडी को पूरा ढक लेती है और दूसरों को चकमा दे पाती है। जब यह जीव अपने पंख खोलता है तो इनका रंग एक खूबसूरत पैटर्न में बदल जाता है। हालांकि ऐसा क्यों है यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन इनके दोनों ही रूप अपने आप में काफी खास हैं।
दोस्तों यह जीव एक तरह की छिपकली होती है जिसे लीफ टेल गेको से जाना जाता है। इनके पास अपने आप को अदृश्य करने की गजब की शक्ति होती है। अगर यह जीव किसी पेड़ की लकड़ी पे बैठ जाए तो वे अपने शरीर को एक लकड़ी में बदल लेते हैं, और अगर पत्तों पे भी आ जाए तो इनकी स्किन एक पत्ते की तरह दिखने लगती है। ऐसा करके वे छोटे कीड़ों को धोखा देकर अपने जाल में फंसाती है और उनका शिकार करती है। रोचक बात तो यह है कि रात में यह अपना मुंह खोलकर इस तरह आवाज निकालती है मानो कोई बच्चा चीख रहा हो। दोस्तों आपने ऐसे कई जीव देखे होंगे जिनका शरीर किसी पेड़ के पत्ते या फिर शाखाओं जैसा दिखता है, और पिंक विंग स्टिक भी उन जीवों में से एक है। इस क्रिएचर की सबसे खास बात यह है कि ये खतरा महसूस होने पर वे अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्थिर कर देता है जिससे सामने वाले को लगे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है। और अगर यह जीव ये हरकत किसी पेड़ पे कर दे तो इन्हें नोटिस किया ही नहीं जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।